कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। ठीक है, ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो है ना, ये बहुत न्यूज में रहा है। केन एनर्जी की बात कर लो, वोडाफोन की बात कर लो, ये दो मुद्दे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं और दुनिया भर के अंदर में इससे कहीं ना कहीं भारत की एक नेगेटिव इमेज भी गई है, स्पेशली टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की। पहले समझो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है। जैसे आज तारीख हो गई हमारी 29 दिसंबर 2021, आज सरकार कोई नियम पास करती है, रूल बनाती है, तो जनरली वो रूल आगे के लिए लागू होगा ना भाई 30 दिसंबर 2021 के बाद लागू होगा। लेकिन सरकार ऐसा कह दे कि आज कानून बना रहे हैं लेकिन ये कानून हम 2012 से लागू कर रहे हैं, कि 2012 के बाद में जो भी इस चीज के तहत हुआ होगा वो इस कानून के अंदर आएगा, तो इसको बोल देते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। पीछे आज की डेट में कानून बना रहे हैं जो पीछे की डेट से लागू हो रहा है। ये थोड़ा सा अजीब लगता है ऐसा ना, कि आज कानून बना रहे तो आज के आगे आगे लगाओ, है ना। आज से पहले मतलब कानून बन गया, आज के बाद जिसने चोरी की उनको फांसी दे देंगे, तो मतलब ये कानून लागू कर दिया 2012 से, 2012 तक के चोरों को पकड़ो और फांसी दो, कहेंगे अरे भैया आज के बाद नहीं करेंगे चोरी, पहले कर ली, फांसी थोड़ी ना दे रहे हो। तो सरकार ने ऐसा कानून जो है हमारे देश के अंदर में, तो टैक्स से संबंधित एक ऐसा कानून पास किया था जिसके अंदर केन एनर्जी और वोडाफोन का जो है बड़ा मुद्दा जो है वो आया था। ठीक है, तो ये संस्था भी कम नहीं है, इन्होंने भी क्या किया, इंडिया के खिलाफ जो मल्टीलेटरल फोरम है उनके अंदर में जाके भारत के खिलाफ केस डाल दिया, है ना। अभी थोड़े दिन पहले दोस्तों भारत जो है नीदरलैंड का के अंदर में जो हमारा एक आर्बिट्रेटर है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर, वहां हम ये केस हार गए, केन एनर्जी जो है वो केस जीत गई थी, तो उसी से संबंधित है। तो अब जो केन एनर्जी है ना भारत के खिलाफ, उन्होंने जितने अलग अलग जगहों पर अलग अलग देश के अंदर में जितने केन एनर्जी ने केस डाले हुए थे वो सब वो केस क्या कर रही है, वापिस ले रही है। ठीक है, तो ये एक जो है खबर है। सो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की हम बात करें तो ब्रिटिश एनर्जी जो है, ब्रिटिश कंपनी है, यूके की कंपनी है ब्रिटिश एनर्जी में, इसका नाम है केन एनर्जी, तो वो फाइनली क्या कर रहे हैं, जितने भी लॉ सूट उसने फाइल किए अलग अलग देशों के अंदर में जाके भारत की सरकार के खिलाफ, वो वापिस ले रही है सारे के सारे, क्योंकि भारत सरकार ने उसके ऊपर टैक्स की डिमांड की थी 10,247 करोड़ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का एक केस था। तो ये केस को जो है, इस केस के खिलाफ इन्होंने अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में जो इन्होंने लॉ सूट फाइल किया था ये उसको वापस ले रही है दोस्तों। द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ ड्रॉपिंग केसेस फाइल्ड इन द फ्रांस, नीदरलैंड, अलग अलग देश में इन्होंने भारत के खिलाफ केस कर दिया था, तो वो सारे केसेस को क्या कर रही है, वापस ले रही है। इशू ये था कि दिसंबर 2020 के अंदर में एक थ्री मेंबर इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, जिसको हम बोल रहे हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, नीदरलैंड के अंदर स्थापित है, उसने केन एनर्जी के हक में फैसला दे दिया, भारत के अगेंस्ट में फैसला दिया था, यूनानिमसली इंडियन गवर्नमेंट को बोला था कि भैया आपने जो इंडिया यूके बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आपने उसको तोड़ा है, ब्रीच किया है उसने, उस ट्रीटी के तहत में अगर इंटरनल कोई कंपनी के अंदर अंदर कोई बदलाव हो रहा है उसके ऊपर आप टैक्स नहीं ले सकते। लेकिन भारत सरकार ने क्लेम किया 10,240 करोड़ रुपए का टैक्स। अब ये केन एनर्जी इस मुद्दे को लेकर पहुंच गई कहां पर, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नीदरलैंड के अंदर में, तो इस कोर्ट ने भारत के अगेंस्ट में सुनवाई दी, भारत के अगेंस्ट में रूलिंग दी और केन एनर्जी के हित में रूलिंग दी। उन्होंने कहा कि केन एनर्जी ठीक है और भारत को ये टैक्सेस पे नहीं इंपोज करना चाहिए। ठीक है, ये दिसंबर 2020 का मामला है। उन्होंने कहा कि भारत ने, इंडिया ने इंडिया यूके बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को क्या किया, उल्लंघन किया, उसको तोड़ा है। द ब्रीच कॉज द लॉस, इससे जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है केन एनर्जी को, लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का जो है इनको नुकसान हुआ है। एंड ऑर्डर्ड, तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने कहा है कि भैया तुम्हें 10,240 करोड़ तो भूल जाओ, ये जो चीज है ना तुम्हें कंपनी को लॉस पहुंचाया है, तो आपको भारत देश को केन एनर्जी को $1.2 बिलियन का कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा है। केन हैड चैलेंज द इंडियन गवर्नमेंट सीकिंग टैक्स ओवर एन इंटरनल बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन यूजिंग 2012 रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ अंडर द यूके इंडिया बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। जो केन एनर्जी ने केस डाला था वो केस डाला था यूके इंडिया बायलेटरल ट्रीटी इन्वेस्टमेंट के तहत। इसके तहत उसने कहा कि भैया हमारा इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन किया, हमने अपने बिजनेस में बदलाव किया, सरकार कह रही है उस पर टैक्स दो, बल्कि इस ट्रीटी के तहत में हमारे पर टैक्स कोई लगता ही नहीं है। ठीक है, इन 2014 इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट है डिमांडेड 10,247 करोड़, 2012 के अंदर में जो हमने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की हम बात कर रहे थे, तो उसके हिसाब से भारत सरकार ने 10,247 करोड़ रुपए की मांग की टैक्स की। 2015 के अंदर में केन एनर्जी ने मामला ठोक दिया सरकार के खिलाफ। ठीक है, तब से मामला चल रहा है। अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है दोस्तों, मैंने बता दिया, आज आप रूल बना रहे हो, टैक्स आज बना रहे हो, कानून आज बना रहे हो, तो आज के बाद लागू होना चाहिए ना। लेकिन आप कह दो कि नहीं ये तो 2012 से लागू है, आज बनाया लेकिन बोल दो 2012 से, पीछे की डेट में आप जाके कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं
पूर्वव्यापी कराधान रेट्रोस्पेक्टिव टेक्सटेशन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, पढ़ लेना, कई बार पढ़ा चुके हैं हम दोस्तों, ठीक है। कंट्री यूज दिस रूट टू करेक्ट एनी एनोमलीज, जनरली कई कोई देश इसको इस्तेमाल क्यों करता है कि उनको लगता है कि यार पीछे टैक्स में बहुत ज्यादा एक बड़ी गलती होगी, लूप होल हमने छोड़ दिया और उससे बहुत ज्यादा टैक्स का लीकेज हो रहा है, रेवेन्यू लीकेज हो रहा है, तो उस चीज को ठीक करने के लिए दोस्तों ऐसा किया जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हो। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो है इससे कंपनियों का जो सेंटीमेंट है वो बहुत हर्ट होता है, नॉइंगली और अननॉइंगली, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कई बार तो जैसे आप भारत की इमेज है, वोडाफोन और ये जो केन एनर्जी वाला इशू है ना, इसमें भारत की इमेज बहुत खराब हुई है, बहुत डेंट पड़ा है इस पे भारत की इमेज के ऊपर, ठीक है। लवप्रीत, इससे कोई नोट्स नहीं बनाना आपको, इससे कोई नोट्स बनाना ही नहीं आपको, बस आपको नोट्स बनाना है इससे रेट्रोस्पेक्टिव। इस पूरे टॉपिक्स में मैंने सिर्फ न्यूज रो बताई, इससे आपको ये याद रखना है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है, खत्म बात, इससे कोई नोट्स नहीं बनाना आपको, ठीक है। और ये दो केस जो मैंने नाम लिए, केन एनर्जी और वोडाफोन, ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से संबंधित हैं, बस इतनी बात याद रखनी है, दो लाइन के अंदर बात खत्म।